अच्छा हो गया सत्संग, सत्संग बहुत अच्छा हो गया। गुरु जी महाराज ने हमको अभी एक हफ्ते पहले दर्शन दिया, इसी चौड़े में ऐसे जैसे बैठे थे यहाँ बैठे रहे हैं, आए हैं सबके साथ में, सब बारात लेके अपनी आए आके फिर बैठे हैं और फिर यहाँ बैठे, फिर उस कमरे में बैठे कमल ओढ़ के ऐसे ऐसे बड़े बड़े, फिर कहने लगे कि जो है मुस्कुरा रहे हैं सिर्फ। तो हमने कहा गुरु जी महाराज जो आप आ गए इतने सुंदर, हमारी वो छवि हमारे दिमाग से जा ही नहीं रही। तब हमने उसको यही स्वरूप दिया, हमने कहा इसी को मरवा के लेके आना, तब ये मरवा के लेके आई। तो जो है फिर हमने कहा कि इसको बहू को बड़ी वाली को पैर में दिक्कत थी ज्यादा, तो बहुत डॉक्टर कई डॉक्टर दिखाया, बहुत इलाज साल भर से करनी थी, चल फिर नहीं पाते थे। तो यहाँ पे बगल में बैठे थे बहू बेटा दोनों लोग, तो हमने कहा गुरु जी महाराज इसको बहुत ठीक कर दिया जैसे आपने हमको ठीक कर दिया। तो जो है उन्होंने पता नहीं क्या इस कमरे में आ रहे थे, तो पता नहीं उसके ऐसे क्या चुटकी बजाए यहाँ कनपट्टी पे, और इसके बाद में चले मुस्कुराते हुए इधर इसी रूम में बाहर अपने टहलने लगे, यहाँ बैठे बोले अभी मैं जाऊंगा नहीं। तो जो इतक है फिर बहू से हमने जब परसों पूछा कल, हमने कहा कि तुम्हारा जब हमने सपना बताया था इसके बाद तुम्हें क्या, बोली अब हमें पैरों में दर्द इतनी नहीं है। हमारे गुरु जी का साथ ही साथ 7 तारीख का, इनका 7 तारीख, 7 तारीख आपका भी बहुत है, आप ब्लेस है, बहुत अच्छे भाव है आपके, फिर बहुत अच्छा सत्संग हुआ है। और गुरु जी ने ब्लेस किया, ट्रांसफर नगर में पहले जॉब करते थे हमने 35 साल जॉब किया, इसके बाद में फिर थायराइड बहुत भयंकर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, इसके दिन आपकी कड़ी संगत कई जाने के लिए आए ना, फिर आज उसके बाद में आपका सुनेंगे हम लोग, हम रुकेंगे कोई दिक्कत नहीं, चाहे हमें रात में 12 बजे। कैंडल तो लगा है हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी, हाथ से खिलाएंगे, जय गुरु जी, एक प्लेट रख के उसको भूख कर रही है, ऐसे नहीं है, जय गुरु जी, प्लेट आ रही है उनके लिए, अलग से लेके हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी, एक जना बेटा खिलाएगा आज बर्थडे जिसका है, ठीक है सब लोग नहीं खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, खुशी बांट। अच्छा संगत जी, कोई संगत नहीं जुड़ी आज गुरु जी के दरबार में, पहली बार किसी ने सत्संग अटेंड किया है, कोई ऐसी संगत है, कोई संगत ऐसी सबने अटेंड किया हुआ है? आंटी आप सत्संग अटेंड करती है? पत्री थी तो बोले कि 1 महीने टाइम दे रहे हैं आप ऑपरेशन कराए, हम नहीं कहते गुरु जी हमको, हम बोले गुरु जी तो हमको जानते थे, हम नहीं जानते थे। फिर घर आए तो देखा हमने, हम भी नहीं चल फिर पा रहे हैं और इतने हालत खराब है, तो फिर लिक्विड पर डॉक्टर ने रखा था इसको, बोले केवल लिक्विड दीजिए। तो हम ऐसे मोबाइल देख रहे थे तो फेसबुक जैसे हमने खोला वैसे देखा गुरु जी के आंखों से शहद वर्षा बहुत तेज से हो रही है, और जो नीचे फॉल बिछी है लोग उसको समेटने लगे भरने में लगे हैं, हमने ये क्या है, ये तो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर उसको फिर देखा, हमने कहा अरे ये तो अच्छा। इसके बाद उसी दिन वहाँ बड़े मंदिर का आया कि लंगर प्रसाद बन रहा था, दाल बन रही थी बिना गैस चूल्हा के, मतलब उसमें बर्नर नहीं लगा था सिलेंडर में, वो देखा। अब हमें पता नहीं, हम बिल्कुल खींचे चले गए, एकदम से खींचे चले गए। फिर जो है फिर उसी दिन हमको पांडेगंज में एक मंदिर है पुराना मंदिर गल्ला मंडी में, तो वहाँ पे 2 शिवलिंग की, एक ब्लैक कलर की एक व्हाइट। तो जो है उस शिवलिंग में पहले हमने ब्लैक में पूजा किया, इन्हीं लोगों ने कराया, इसका मायका है बहुत कम वहीं पे, और फिर व्हाइट में किया। फिर देखा 2 कबूतर उड़ के आए और पता नहीं हमें पीछे बैठ गए, एक व्हाइट एक ब्लैक, बस उतनी देर में आप हमारी आंखें खुल गई। तो जो है तो इसके बाद ही फिर गुरु जी के पीछे हम बिल्कुल तुरंत बड़े मंदिर बुला दिया, तुरंत बड़े मंदिर बुला लिए। फिर बड़े मंदिर गए, वहाँ पे हम थोड़ा सबने खाया पिया, हम थोड़ा सा प्रसाद भर ले आए उसका, तो जो है कड़ा प्रसाद और वो मिला था ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, तो एक बड़े मंदिर में वहीं पे खा के आना। हाँ, हमें पता नहीं था, एक पकौड़ा खाया एक भर लिया है, तो हमने कहा बच्चों के लिए चलते हैं, यहाँ से जिनको जिनको दिया सब ठीक हो गए,
सबकी बीमारी वो आए नहीं है, गुरु जी की महिमा क्यों नहीं उनको बुलाया। तो उसके हस्बैंड हाथ नहीं उठा पाते थे, उसका हाथ सही हो गया, कूदने लगे और उसकी भी तबीयत खराब थी, वो भी सही हो गए। लेकिन बस ये गुरु जी का कहना था कि जो तुम्हें ब्लेसिंग मिले तो तुरंत जो है पब्लिक में बांटने न लगो, ये हमें गलती होगी। और उस दिन जब सपने में वो भी हम तुरंत बताने लगे, हमने बता दिया मन ही नहीं मानता है, तो जो है वही नहीं। जल प्रसाद से ही आंटी हमने इसको ठीक कर लिया, जल प्रसाद की तरह ठीक हो गया, हम ठीक हो गए बिल्कुल, बड़े चाहिए। हमारा वजन भी कम है, 107 किलो था वजन। अब कितना है आंटी जी आपका वजन? पता नहीं, नापे नहीं, होगा 65-70 होगा इसे। अच्छा, 107 किलो से 65-70 आ गए हैं आंटी जी। गुरु जी आपको लगातार ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी हम उसे सेवा भी करा रहे हैं। और फिर ये सब की जो गुरु जी का ये आसन वगैरह है, हमने सुना, हम तो स्वयं तागा नहीं डालना चाहते थे, पता नहीं कहाँ से इन्होंने हमारे दिमाग में भर दिया। तो मंगा हमारा कपड़ा अपने आप सिलते रहते हैं, इनके बिछाने वाला सब अपने आप हम सिल लेते हैं। हमने 11 सेट सिले थे, बदल बदल बनाते रहते हैं, हर 15 दिन में बदल देते हैं। अच्छा, इससे पहले बिछा हुआ था। ये जितने भी यहाँ पे इस समय अंकल हैं, हमारी गाड़ी भी खिलवाई, इससे कहते हैं सबका कल्याण करो। और मेरी मासी थी, उनको जो है फालेरिया दोनों पैर में हो गया है, और अब उनको जो है एक हाथ राइट हैंड में फालिस मार गए। तो हमने कहा कि परेशान न हो, हम तो नहीं आ पा रहे गाँव, और क्योंकि गुरु जी हमारे अकेले रह जाते फिर। तो हमने कहा कि हम जल प्रसाद भेज देते हैं, बहन से कहा कि जल प्रसाद बहन रहती है उसको भिजवाया, और वो केवल एक हफ्ता पी और उनकी उंगली दाहिने हाथ की चलने लगी, और बिल्कुल और किसी काम के नहीं थे। तो हमने कहा कुछ न कहो, पढ़ी लिखी नहीं बिल्कुल नहीं, तो हमने कहा कि कहा करो गुरु जी इतना तो कर सकती हो, तो बोली हाँ ये कर सकते हो, नहीं करो। मैं कहती हूँ अरे राम क्या करें, अरे राम करती हो, तो हमने अरे राम न करो गुरु जी, अरे गुरु जी महाराज जल्दी हमको ठीक करो, हमें ये बोलो। तो उनको भी काफी हद तक फायदा है, मतलब जो जो हमारा ये पता नहीं अंदर दिल से गुरु जी से हम ये कहते गुरु जी महाराज ऐसा कोई हो जिसे कितने भी तकलीफ है लोगों, वो हम अपना नहीं देख रहे, हमारा जो हो गया। तो हम कहते हैं वो जितना भी जितने लोगों को हमको जोड़ना, और उसी समय फटाफट 4-5 लोग जुड़ गए। अच्छा, हाँ 4-5 तुरंत, मतलब हम बस बड़े मंदिर से आए, बस 4-5 लोग जुड़ गए। तो हमने कहा कि गुरु जी महाराज ऐसा कर, हमें मतलब ये मतलब अंतिम इच्छा भी है, हमारा ये सपना भी है कि जितनी संगत जितना सब परेशान रहते बीमारी, तो हमने कहा सबको जल प्रसाद दे दे, हम सारी दुनिया को ठीक कर दे अपने गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से। और आज ना उनके जो है विधाता में एडमिट है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके कॉलोनी के वाले ये सामने रहते हैं, सामने रहते हैं, तो वो इसलिए हमें तो आ नहीं पाए। तो जो है हमने गुरु जी की ब्लेसिंग छोटा सा रूप दे दिया, जल प्रसाद दे दिया, हमें जाओ हम डाल देना, हमने कहा 100% सही हो जाएगा। हमने कहा कि ये हमने ही जाओ, ये वाला जल उनके घर जी जी उनके ब्लेसिंग। फिर उर्मिल बेटा, उर्मिल ब्लेसिंग वहाँ रखी उठा लो ब्लेसिंग जो रखती है। आंटी जी आपकी भक्ति बहुत सच्ची है, आप लगातार 2 घंटे बैठी रही, एक तरफ हमें भक्ति आपकी बहुत अच्छी है, पता नहीं यार बहुत रुला रहे आंटी, कहाँ है ज्यादा रुला रहे हैं कि पता नहीं वो देख वो देखते बन रहा था कि आप लगातार जो है गुरु जी की भक्ति कर रही थी। और गुरु जी ने क्या ब्लेस किया आपको? और बाकी तो चाय प्रसाद में वो बनाते थे, और अभी पर्सनों से मुसली प्रसाद हमें जो हम बना पाते वो खिला लेते, वही उन्हीं के सामने हम बैठ के खा लेते हैं। तो जो है उन्होंने मुसली प्रसाद में गणेश जी स्वरूप बनाया, तो हम समझ नहीं पाते, उन्होंने उनको दिया, देखो क्या बना, ये तो गणेश जी बने, गणेश जी का स्वरूप बना है। एक बार जो है दही में वो बना था, और दही में 2 बार बन चुका, और चाय में तो कभी शिवलिंग बन जाती है, कभी एक बार शुरू शुरू में गुरु जी के स्वरूप बन गया था। और जिस दिन ब्लेसिंग आई है उस दिन पहले तो गुलाब की खुशबू आई है, खुशबू आई है, इसके बाद में फिर बेला की। तो ये जो इसके जो जन्म के नीचे जो फूल होते हैं इनको ना बाहर बॉडी में करके बाहर, क्योंकि सारी संगत वहाँ सबके अपना जो बुद्धि से अपने खाली ये गुलाब के बाकी ये जो हम चढ़ाते हैं ना, ये चढ़ाए अब कभी भी हमारा हम एक फूल भी बर्बाद नहीं करते हैं, अपने गमलों में ही डाल देते हैं, वो खाद भी बन जाता है और किसी के पैरों के नीचे भी नहीं पड़ता है।
मतलब इनके लिए तो पता नहीं क्यों हमें इतनी ताकत आ जाती है शरीर में, जैसा लगता कि हम जैसे 16 साल की लड़कियां नहीं तैसे भागने देती, ऐसे भागते जा रहे होते थे नंगे पैर, अमृत अमृत वेला भी करते हैं। आंटी जी आपके घर में सब लोग ठीक हो गए? हाँ सब शारीरिक रूप से सब, बस यही हमारा सपना कि बच्चे सब सही रहे, अपना कमाए खाएं बस, और क्या गुरु जी से मांगना तो सही नहीं। जय गुरु जी। आंटी जी गुरु जी ऐसे आपको ब्लेस करते रहे, शुक्राना गुरु जी। कटोरे बनाया था केवल दो छोटी कटोरी का, सबको दे दिया, इसके बावजूद भी तमाम बच्चा सबने को प्लेट भर रखा है, तब ही रखा था। गुरु जी बड़े में, गुरु जी बड़े मंदिर से आए? आंटी जी कहाँ से, बड़े मंदिर से लाई? नहीं हमको भैया मिला कहीं से नहीं था, तो हमने पहले गूगल से निकाला, पहले हमने प्रांति स्वरूप में खरीदे, तो किसी ने कहा वहाँ सत्संग में सत्संग ऑनलाइन सुनते हैं, तो बोले कि गुरु जी खरीदे नहीं जाते हैं, तो हमने क्या जितने हमारे खरीदे हुए थे हमने सबको दिए, एक केवल अपने पास रखे, तो उनसे हम प्यार दुलार भी करते हैं, बातें भी करते हैं, सब कुछ नहीं सीखते। गुरु जी रोज बातें करती है? हाँ रोज बातें करती है, बातें करती है रोज। समझ लीजिए जब आंख खुलती है तो गुरु जी का चेहरा देखते हैं, आंख बंद होती है तो गुरु जी का चेहरा देखते हैं। अच्छा। और 24 घंटे गुरु जी का है, जब से ये गुरु जी आए इस चोले में तब से हमारे दिमाग में दिलो दिमाग यही चाह रहे। आपको गुरु जी ही नजर आते हैं चारों तरफ? हाँ चारों तरफ। अच्छी बात है। कभी भी हमें हमें न किसी लालच है धन दौलत, हम तो कहते गुरु जी महाराज अगर हमसे कह दें कि तुम सब छोड़ के बड़े मंदिर आओ, सब भैया अभी तुरंत छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा बड़े मंदिर छोड़ के चले जाएंगे? हम सब चले जाएंगे। जय गुरु जी। हमें धन दौलत उसकी कुछ है ही नहीं, ऐसा ही चाहिए। आंटी जी बहुत ब्लेस हैं आप। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी आज आपके घर में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु जी ने जो है रोटी में ओम और गणेश जी बनाया है, चावल में ओम ओम बना हुआ है, और जो चाय प्रसाद में भी बना, गुरु जी ने खूब ब्लेस किया है। जय गुरु जी। आंटी जी महिमा तो कितनी है तो हम बखान नहीं कर पाएंगे। जय गुरु जी। तब हम तो यहाँ आते समय सब भूल जाते हैं, ऐसे सब याद रहते हैं लेकिन आते समय भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है आंटी जी, गुरु जी के प्रति ऐसी ही आपकी श्रद्धा रहे और अनंत भक्ति आप कीजिए। गुरु जी आपको और पूरे परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग में आई हुई प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना। गुरु जी सारी संगत को ऐसे बुलाते रहें और गुरु जी का सत्संग ऐसे सभी आंटियों के घर पे होता रहे। जय गुरु जी।